गाइस, वेलकम टू माय चैनल A1 क्लासेस। स्वागत है आपका A1 क्लासेस में। गाइस, 20 तास के क्वेश्चन होने के बाद हम आपके लिए लेकर आए हैं लेटर्स और एप्लीकेशंस। सेक्शन बी हम करने वाले, तो गाइस सेक्शन बी में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो हमने निकाले हैं आप लोगों के लिए। जिन बच्चों ने तैयारी नहीं की है वो अभी भी तैयारी कर सकते हैं और इन क्वेश्चन को करके वो अपना समय, अमूल्य समय को बचा सकते हैं और बहुत अच्छे नंबर से गेट्स कर सकते हैं। तो गाइस, जो लेटर्स एप्लीकेशंस हैं वो यहाँ हैं। सबसे पहले हम फॉर्मल लेटर को पढ़ेंगे, उसके बाद हम इनफॉर्मल लेटर को। तो फॉर्मल लेटर के कौन से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो एग्ज़ाम में लगने वाला है, तो वो हमारा लेटर है राइट लेटर टू द कलेक्टर ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट अबाउट द न्यूसेंस ऑफ लाउड स्पीकर्स इन यूअर एरिया, रिक्वेस्टिंग हिम टू इम्पोज ए बैन ऑन द यूज ऑफ लाउड स्पीकर। तो गाइज, सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका यही लगने वाला है, राइट अ लेटर टू द कलेक्टर ऑफ यूअर डिस्ट्रिक्ट अबाउट द लैक ऑफ, है ना, अबाउट द न्यूसेंस ऑफ लाउड स्पीकर्स इन यूअर एरिया, रिक्वेस्टिंग हिम टू इम्पोज ए बैन ऑन यूज ऑफ लाउड स्पीकर। तो पहला हमारा क्वेश्चन यहाँ है जो इम्पोर्टेंट है, 100% लगने वाले हैं, है ना, यही क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा। नेक्स्ट, अगला जो क्वेश्चन आता है वही है एफ वाला, कि यू आर आदित्य पांडे रेसिडिंग ऑन 53 विकास नगर उज्जैन, राइट लेटर टू द पोस्ट मास्टर कंप्लेन अगेंस्ट द पोस्टमैन ऑफ यूअर एरिया। तो तुम्हारे एरिया के जो पोस्टमैन है उसके अगेंस्ट हमें एक एप्लीकेशन लिखना है जो कि पोस्ट मास्टर को आपके एरिया को लिखना है। तो ये दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइज, आप 3 से 4 में आपको एप्लीकेशन से बताऊंगा, लेटर से बताऊंगा, इसके अलावा आपको नहीं करना। यही सबसे इंपॉर्टेंट लेटर एप्लीकेशन है जो 17 डेट को मिलने वाले हैं आपके एग्जाम पेपर में। तो नेक्स्ट, अगला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है गाइज हमारा, कि वो पहले से हम करते हैं, क्वेश्चन टू द प्रिंसिपल ऑफ यूर रिक्वेस्टिंग, है ना, ऑफ यूर स्कूल रिक्वेस्टिंग हिम टू इशू ए स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट और ट्रांसफर सर्टिफिकेट, यू आर मोहन स्टूडेंट ऑफ क्लास 12th गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल डिंडोरी। तो गाइज, सेकेंड थर्ड वाली जो हमारी एप्लीकेशन हैं वो एक SLC सिक लीव और कैरेक्टर सर्टिफिकेट, तो SLC ही कैरेक्टर सर्टिफिकेट बना सकते हैं, ट्रांसफर सर्टिफिकेट भी वही है। तो गाइज, यदि ये दोनों क्वेश्चन नहीं आते हैं तो ये इनमें से डेफिनेटली हमारे सामने क्वेश्चन आना वाला है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइज ये, है ना। इसके अलावा यदि आप करेंगे तो सिर्फ ये वाला क्वेश्चन आप कर सकते हो, एक्स्ट्रा में क्वेश्चन है राइट ए लेटर टू द कलेक्टर ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट अबाउट द लैक ऑफ फैसिलिटीज एंड वेल फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट हॉस्पिटल ऑफ यूर एरिया, राइट ए लेटर टू द कलेक्टर ऑफ यूर डिस्ट्रिक्ट अबाउट द लैक ऑफ फैसिलिटीज एंड वेल फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट हॉस्पिटल ऑफ यूर एरिया, है ना, आपके एरिया में के जो हॉस्पिटल गवर्नमेंट हॉस्पिटल है उसमें क्या कमियाँ हैं सुविधाओं में और क्या खराबियाँ हैं उसकी ओर। तो गाइज, ये 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए आपके, जो एप्लीकेशन से आप इनफॉर्मल लेटर नहीं भी करोगे तो आप फॉर्मल लेटर पे ही कंप्लीट कर सकते हो। ये 4 लेटर यदि आपने कंप्लीट कर लिए तो आपको 4 मार्क्स आसानी से गेट हो जाएंगे। तो गाइज, ध्यान रखिएगा, इनफॉर्मल लेटर नहीं करना है तो हम फॉर्मल लेटर कर ही हम 4 मार्क्स को गेट कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो फॉर्मल लेटर नहीं करना चाहते, फॉर्मल लेटर करना चाहते हैं तो वो फॉर्मल कर सकते हैं, जो इनफॉर्मल करना चाहते हैं वो इनफॉर्मल कर सकते हैं। तो मैं आपको इनफॉर्मल लेटर, सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि फॉर्मल लेटर होता क्या है और इनफॉर्मल लेटर क्या होता है। तो गाइज, फॉर्मल लेटर वहाँ होता है जो हमें ऑफिशियल वर्क के लिए लिखने के लिए काम आते हैं, ऑफिशियल वर्क के लिए आते हैं, जैसे कलेक्टर को, SDM को, SP को, क्लास टीचर को, है ना, प्रिंसिपल को। तो गाइज, ये क्या हो गए, ये हमारे ऐसे लेटर्स हैं जो ऑफिशियल वर्क के लिए यूज़ होते हैं, और इनफॉर्मल लेटर वहाँ होते हैं जो हमारे रिश्तेदार से के संबंधी के लिए लिखे जाते हैं, दोस्त, भाई, बहन, माता पिता, इनको लिखे जाते हैं। देखिए, नेक्स्ट अगला आता है हमारा इनफॉर्मल लेटर। तो इनफॉर्मल लेटर में क्या, इनफॉर्मल लेटर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, यदि आप फॉर्मल नहीं करते हो तो इनफॉर्मल लेटर का पहला क्वेश्चन करोगे आप, कि यू आर सचिन भार्गव रेसिडेंट 102 द्वारका कॉलोनी महू, है ना, राइट ए लेटर टू यूर फ्रेंड जे कंग्रेचुलेटिंग हिम ऑन हिज ग्रैंड सक्सेस इन द नीट एग्जामिनेशन। ये नीट एग्जामिनेशन के अनुसार आ सकता है, PAT के अनुसार आ सकता है, PMT का जाए, HSC का जाए, या फिर ये ग्रैंड सक्सेस के नाम से भी आता है। तो गाइस, ये क्वेश्चन अलग अलग बनकर आते हैं लेकिन आंसर होगा वही होता है, ग्रैंड सक्सेस वाला। तो यही आंसर है, अपने दोस्तों को बधाई देना है तो हमें वो क्वेश्चन बहुत ईजी है और ये क्वेश्चन लगने वाला है। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, कि राइट ए लेटर टू यूर फ्रेंड एडवाइसिंग, एक एडवाइस लेटर आता है
एडवाइजिंग हिम टू स्टडी इंग्लिश मैथ्स जनरल नॉलेज एंड रीजनिंग है ना फॉर अटेंडिंग है ना अटेनिंग सक्सेस है ना इन द कॉम्पिटेटिव एग्जाम। यदि आप कॉम्पिटिशन एग्जाम करना चाहते हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारा ध्यान किस पर बात होना चाहिए, किस फोकस होना चाहिए, जो मेन सब्जेक्ट है जैसे इंग्लिश है, मैथ्स है, जनरल नॉलेज है ना सामान्य ज्ञान, इन पर हमारा ध्यान होना चाहिए। तो हमारे दोस्तों को हमें क्या करना है, एडवाइस देना है, सलाह देना है। तो नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन हो गया और थर्ड क्वेश्चन आता है गाइज हमारा, राइट लेटर टू योर ब्रदर टेलिंग हिम हाउ यू स्पेंड योर लास्ट समर वेकेशन है ना दिस ईयर, कि आपको आपके भाई को बताना है कि आपने अपनी गर्मी की छुट्टी किस प्रकार से स्पेंड की। तो आपने अपनी गर्मी की छुट्टी किस प्रकार से स्पेंड की है तो आप यहाँ चैप्टर क्वेश्चन में बना सकते हो। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, ये तीन ही क्वेश्चन है जो आपको लगने वाले हैं, इन पांचों सातों क्वेश्चन में से ही आपको दोनों क्वेश्चन मिल जाएंगे। यदि गाइस वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चाहे अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उनका भी भला हो सके।